नमस्कार और आप देख रहे हैं पर्पल। देर रात रोहतक गेट पर चोरों ने एक मोबाइल की दुकान पर शटर तोड़कर उसको निशाना बनाया। रोहतक गेट पर पुलिस बूथ होने के बावजूद भी देर रात पुलिस की नाक के नीचे चोरी कर ले गए। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा रात्रि गश्त करने के बाद भी चोरों ने मेन रोड पर मोबाइल की दुकान पर शटर तोड़कर लाखों रुपये का सामान चोरी कर लिया। जांच अधिकारी उमेद सिंह ने बताया है कि रोहतक गेट पर मोबाइल की दुकान पर चोरी हुई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। दुकान मालिक के अनुसार लगभग 5 लाख रुपए के मोबाइल व 20,000 रुपए की नकदी चोर ले गए। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। एक वो डिलीट भी हो चुका है कि एक क्या कार्रवाई अमल में आई। रोहतक चौक पे मोबाइल फ़ोन की दुकान पर शटर पाड़ के चोरी हुई है, वो जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह की तलाश देख रहे हैं। जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सर मालिक के अनुसार क्या नुकसान हुआ? मालिक के अनुसार करीब 5 लाख रुपये का मोबाइल फ़ोन है वो चोरी हुई बता रहे हैं। तो कोई नकदी वगैरह? हाँ कुछ नकदी बता रहे हैं, 20,000 रुपये करीब। तो सर पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने दरखास्त लेके पर्चा दर्ज कर लिया है और आगे जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपने फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया है तो फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट भी उनको देख रहे हैं, ठीक है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह को भी चेक कर रहे हैं।